अनिल अंबानी के रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को उस समय करारा झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने तीन साल पुराने अपने ही फैसले को निरस्त कर दिया कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा उनकी सहायक कंपनी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड को दी गई ओरिजिनल ऑर्बिट अवार्ड की पूरी राशि चुकाने का निर्देश दिया आपको बता दें ये राशि पहले दो करोड़ रुपए थी जो ब्याज के साथ बढ़कर आठ करोड़ रुपए हो गई मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ न्यायमूर्ति बी आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने यह फैसला सुनाया आपको बता दें कि पहले के फैसले में दिल्ली मेट्रो के साथ विवाद में अनिल अंबानी समूह की कंपनी को आठ हजार करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया गया था शीर्ष अदालत ने कंपनी को पहले ही प्राप्त हो चुके लगभग 2500 करोड़ रुपए को वापस वसूल करने के लिए कहा और माना कि पिछले फैसले के कारण न्याय नहीं हो सका पीठ ने कहा इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले जिसने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले में हस्तक्षेप किया कि परिणाम स्वरूप न्याय नहीं हो सका खंडपीठ के फैसले को रद्द करते हुए इस न्यायालय ने एक साफ रूप से अवैध आदेश को बहाल कर दिया जिसने एक सार्वजनिक इकाई पर अत्यधिक दायित्व थोप दिया न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की सदस्यता वाली पीठ ने कहा सुधारात्मक याचिका पर अनुच्छेद एक के तहत शक्ति का प्रयोग जरूर हो जाता है डीएमईपीएल को दिए गए फैसले को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने डीएमआरसी को बधाई दी उन्होंने लिखा सत्यमेव जयते एयरपोर्ट मेट्रो लाइन से जुड़े मामले में डीएमआरसी की सुधारात्मक याचिका पर माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला ऐतिहासिक है इस ऐतिहासिक फैसले को हासिल करने पर डीएमआरसी टीम को बहुत बहुत बधाई नमस्कार मैं हूं मानक गुप्ता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज ट्वेंटी